हेलो फ्रेंड्स, आप ही के जैसे एक फ्रेंड का मैसेज आया मेरे पास। कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर ये बता दो कि फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड होता है। तो मैंने सोचा सिर्फ उनसे क्यों शेयर करना, सबसे शेयर करते हैं ना, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि फॉर्म 26AS यूज़ कहाँ होता है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि AIS कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित शेट्टी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि आप फॉर्म 26AS बड़ी इजीली कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलना है, कोई भी सफारी, गूगल क्रोम, जो आपको सही लगे, और जैसे ही आप उसको खोलोगे आपने वेबसाइट खोलनी है incometax.gov.in। आप incometax.gov.in खोलोगे आपके सामने एक पोर्टल खोल जाएगा, इनकम टैक्स का नया पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा ई फाइल का। आप ई फाइल पर ड्रैग करिए, आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स का। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपको एक अलग से वेबसाइट पे ले जाएगा। वो वेबसाइट ट्रेसिस की वेबसाइट होती है। ट्रेसिस की वेबसाइट यानी कि बेसिकली TDS से रिलेटेड सारी वेबसाइट। आप उसके ऊपर फुल फॉर्म पढ़ेंगे, देखिए तो टी का मतलब TDS ही होता है, ठीक है। तो ट्रेसिस की वेबसाइट के अंदर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू करने के लिए, तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें वो आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये करंट ईयर चल रहा है 22-23, जैसे कि 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक ये जो ईयर चल रहा है ये 22-23 है, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इसका असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। अगर आप पिछले साल का देखना चाहते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 देखना पड़ेगा। मतलब आप जिस भी साल का देखना चाहते हैं ना, आप उससे एक अगला साल असेसमेंट ईयर के तौर पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे आएगा व्यू एज आप HTML या टेक्स्ट देखना चाहते हैं, आप नीचे जाएंगे, व्यू या डाउनलोड आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा, नेक्स्ट पॉपअप आ जाएगा एक्सपोर्ट एज PDF, आप उसको क्लिक करिए, PDF डाउनलोड हो गई। ये डाउनलोड करना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात ये आती है कि इसके अंदर है क्या क्या फॉर्म 26AS में। तो जो भी बंदा इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहा है ना, वो सबसे पहले अपना फॉर्म 26AS जरूर देखता है, क्योंकि फॉर्म 26AS के अंदर पार्ट एच तक इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट ए होता है जिसमें ये पता लगता है कि आपका TDS कहाँ कहाँ से कटा है। पार्ट बी में TCS की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपने कहाँ कहाँ से TCS कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पार्ट सी अगर आप देखोगे तो पार्ट सी में आपने TDS और TCS से हटकर कौन सा टैक्स पे किया है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट डी में आपका रिफंड की इन्फॉर्मेशन होती है, कि यानी कि सरकार ने अगर आपको कोई रिफंड किया है तो वो रिफंड कितना है। पार्ट ई के अंदर होती है आपकी SFT ट्रांजेक्शन, SFT यानी कि स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो SFT के अंदर आ गई है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,00,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करा दिया सेविंग बैंक में, तो जो भी काम आपने SFT के दायरे में आके कर लिया तो वो इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पार्ट एफ के अंदर आती है आपकी जो भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर अगर आपने TDS काटा है तो वो जो TDS आपने काटा उसकी इन्फॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी, और अगर आपने सेल करी है तो भी यहीं पे मिलेगी। पार्ट जी के अंदर अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है तो उस डिफॉल्ट से रिलेटेड TDS का आपको पार्ट जी में दिखेगा। और पार्ट एच बेसिकली उनके लिए है जिनके पास GST नंबर है। तो जिसके पास GST नंबर है ना, तो GST 3B, उसको पता होगा GST 3B क्या होती है। तो GST 3B में आपने जितनी सेल भरी है ना, वो सारी सेल आपकी मंथ वाइज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी टर्नओवर पूरे साल की कितनी है। ये है फॉर्म 26AS। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वीडियो का फॉर्म AIS। AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो कैसे डाउनलोड करते हैं, आप अपना वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज का, आप सर्विसेज को ड्रैग करिए, उसके अंदर होगा व्यू फॉर्म AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगेन पॉपअप आएगा, आप प्रोसीड करोगे, एक नए पेज पर आ जाओगे, वहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, इंस्ट्रक्शंस या AIS। आप AIS पर क्लिक करिए, अब दो आपको पॉपअप दिख रहे होंगे, एक TIS और एक AIS। TIS यानी कि टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करिए, वो ओपन होगी, आप उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर एक PDF फाइल होगी। वो PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, पासवर्ड होगा आपका पैन
और साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि रनिंग लेटर्स में आपका पैन पूरा और साथ में डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के, आप क्लिक करेंगे आपका AIS खुल जाएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको 26 AS यानी कि 26 AS में मिली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको AIS में भी मिलेगी बिल्कुल सेम। और AIS में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, यानी कि आपने बैंक में कितने के डिपॉजिट्स करें हैं, अगर आपने कोई शेयर सेल करे हैं तो वो शेयर्स कितने के सेल करें हैं, खरीदे हैं तो कितने के खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने के खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने के बेचे, आपको डिविडेंड कितना आया, उस डिविडेंड पे TDS कितना कटा। बेसिकली 26 AS TDS से रिलेटेड था। और जो आपका ये फॉर्म AIS है, ये आपकी पैन से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले 26 AS और AIS दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात का और खास ख्याल रखना है आपने, वो क्या, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स से शेयर करना है जिनको फॉर्म 26 AS और AIS फॉर्म की ज़रूरत है। शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।